Hello friends, my name is Pragya. Today we are going to study Maths Chapter Number 1, Buildings with Bricks. Let's see. पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स का क्या शेप होता है. ये तो सबको पता है कि रेक्टेंगल होता है, बट जो 3D लुक होता है वो कुछ ऐसा होता है. ये है 3D लुक. ये ब्रिक्स का है और इस जो मैं शेप बनाई हूँ उसका नाम है क्यूबॉइड. और जो ये चैप्टर है उस ये पैटर्न्स के ही बेस है, तो इस हम चैप्टर में बस पैटर्न्स के ही जानेंगे. चलिए हम जानते हैं पैटर्न्स के बारे में. पहला है मोनिया. मोनिया कुछ ऐसा होता है, सॉरी, बड़े बड़े ब्रिक्स होते हैं और इस जो पैटर्न का नाम है मोनिया. ठीक है, अब जो सेकंड पैटर्न है वो है ज़ैनब. ज़ैनब का शेप कुछ ऐसा होता है. ऐसे होते हैं, इसके दो होते हैं, यहाँ तीन होते हैं और इस पैटर्न का नाम है ज़ैनिया, ज़ैनब मतलब ज़ैनब. ठीक है, और अब अगला पैटर्न है वॉल पैटर्न. मैं वॉल पैटर्न बताऊंगी. पहले हम लोग इसका स्क्वायर बना लेते हैं, फिर हम लोग इसमें सब में लाइन्स हम ड्रा करेंगे. ठीक है, फिर एक पैटर्न है जो किसी किसी वॉल्स में होता है, वो ऐसा कुछ होता है. हमें लाइन लाइन्स होते हैं, जैसे ब्रिक्स का डिज़ाइन होता है वैसे ही वॉल्स, इस वॉल का भी डिज़ाइन होता है. और नेक्स्ट है इसका दूसरा, वो ऐसा कुछ होता है. ऐसे होता है, फिर इधर होता है. थर्ड नंबर है जो ऐसे कर कर होता है, कुछ ऐसे कर कर, फिर हमारा इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, दो दो होते हैं. ठीक है, ऐसा ही होता है. ये सब है वॉल पैटर्न्स. ये सब जो भी मैं तीन बनाई हूँ वो है वॉल पैटर्न्स. ठीक है, अब जो जाली होता है, अब जाली कैसा होता है जाली का पैटर्न होता है ऐसा, जो जो सबके घर में लगा होता है खिड़की पर. इसके छोटे छोटे लाइंस होते हैं, बहुत सारे छोटे होते हैं. स्क्वायर टाइप होता है. इसको हम कहते हैं जाली. ठीक है, अब जो अगला पैटर्न है जो जो स्कूल जो गांव के स्कूल्स में होता है वो विंडो, तो वो उसको हम कहते हैं शेडेड विंडो. उसका नाम है झाड़ रू
उसका नाम है झाड़ू का, ठीक है। वो कुछ ऐसा होता है, इसके लंबे लंबे होते हैं, ये पूरा शेडेड होता है, ब्लैक से पूरा ये शेडेड होता है, इसको हम कहते हैं झाड़ू का। अगला है जो ब्रिजेस होते हैं उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे करके होता है, कर्व होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, ठीक है, ऐसे करके होता है, इधर ऊपर से ब्रिज होता है, ये मैं नीचे से दिखाई ना आपको, ठीक है, होता है ब्रिक्स का। और जो आर्च का डिजाइन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके पहले होता है, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसा कुछ होता है उसका शेप, ठीक है, ये होता है आर्च शेप। अब जो अगला पैटर्न है, अब जो अगला पैटर्न तो इस चैप्टर में बस इतने ही पैटर्न थे, आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।